गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम नरेशन के बारे में बता रहे हैं, यह असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। इसके बाद आज इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञार्थक या आज्ञावाची वाक्य कहते हैं। जब इस प्रकार के वाक्य नरेशन में आ जाए तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम। पहला है, जब रिपोर्टिव स्पीच से आज्ञा का भाव प्रकट हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना है। दूसरा है, वर्ब को टू से जोड़ देते हैं, अर्थात वर्ब को इन्फिनिटिव बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो मुख्य क्रिया से शुरू होती है, मुख्य क्रिया के पहले टू लगा करके वाक्य को जोड़ देते हैं। दूसरा नियम यह है। तीसरा है, पर्सन नंबर जेंडर टेंस और केस, इतने चीज़ों को ये असर्टिव की तरह बदल देते हैं। जैसे असर्टिव में बदलते रहे उस तरह से इसमें परिवर्तित कर देते हैं। अब एग्जांपल है, द किंग सेड टू हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा में है, लेट हिम बी फ्री। अब इस वाक्य को देखने से लगता है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें किसी को आज्ञा की, अर्थात राजा ने सर्वेंट नौकर को आदेशित किया है कि उसे छोड़ दिया जाए। अब इस वाक्य से पता चलता है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है और आज्ञा दी जा रही है, तो ऐसे वाक्य को उसी नियम के तहत बदलते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ऑर्डर्ड में बदलें, यू आर द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब इसके बाद लेट हिम बी फ्री है तो टू लेट हिम बी फ्री कर दिया, अर्थात हुआ द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लेट हिम बी फ्री, तो यह चेंज हो गया, डायरेक्ट से डायरेक्ट हो गया। अगला है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, इन्वर्टेड कॉमा में है, गो अवे फ्रॉम हियर। अब गो अवे फ्रॉम हियर से देखने से लगता है कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थक वाक्य। तो ऐसे वाक्य का भी हम उसी तरह बदलते हैं, तो इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर कर देंगे, होगा द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, वो क्रिया गो है इसके पहले टू लगा देंगे, गो अवे फ्रॉम हियर का देर हो जाए। इस तरह वाक्य बदला हुआ है, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू गो अवे फ्रॉम देर। तीसरा है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट कम हियर एंड लिसन टू मी एट वंस। अब कम हियर एंड लिसन टू मी एट वंस, इस वाक्य से भी पता चलता है कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसका बदलेंगे, तो मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो, कम का गो होता है, टू गो हियर का देयर होता है, एंड लिसन टू मी फर्स्ट पर्सन है, तो हमारे मास्टर के अनुसार हिम हो गया, एडवांस हुआ। इस तरह हुआ, तो मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो देयर एंड लिसन टू हिम एडवांस, यह बन गया। अब है दूसरा है, इसमें जब रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का भाव प्रकट हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल देते हैं और वाक्य को पहले की तरह लिखते हैं। जैसे है, माई फादर से टू मी है, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। अब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा, माई फादर सेट का एडवाइज हो गया, एडवाइज भी इसमें भी वर्क वर्ब है, इसमें टू लग गया, वर्क हार्ड फॉर योर है, चेंज बाय रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट माई होगा एग्जामिनेशन। इस तरह माई फादर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन, इस तरह ये चेंज हो गया। अगला है,
माई ब्रदर सेड टू मी है रिस्पेक्ट योर लीडर्स, रिस्पेक्ट योर लीडर से इससे भी पता चलता है किसने सलाह दी है। तो ऐसे वाक्यों का भी जो है परिवर्तन उपयुक्त नियम के तहत होगा। माई ब्रदर एडवाइज मी टू रिस्पेक्ट योर चैन लीडर माई लीडर्स होगा। माई ब्रदर एडवाइज मी टू रिस्पेक्ट माई लीडर्स चैन लीडर। तीसरा है माई मदर सेड टू मी माई हेल्प द पुअर इन योर लाइफ। अब ये भी इस बात से लगता है कि सलाह दी गई है। इसका हुआ माई मदर सेड का एडवाइज में एडवाइज हिम और हेल्प के पहले टू लगा टू द पुअर इन योर चैन हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ लाइफ हो गया। माई मदर एडवाइज हिम टू हेल्प द पुअर इन योर लाइफ। तो इस तरह से इन वाक्यों का हम ऐसे परिवर्तन कहते हैं। अगर नियमों के तहत नियम की जानकारी है तो इसके आधार पर हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसी तरह से बनाएंगे।